मित्रों, प्रदेश अध्यक्ष जी ने राजस्थान के कानून व्यवस्था की भयावह तस्वीर आपके सामने रखी। मैं मेरी बात प्रारंभ करूं उससे पहले मैं चाहूंगा कि करौली जहां आज सातवें दिन भी लगातार कर्फ्यू है, वहां जो घटना हुई, घटना को जब ये जुलूस प्रारंभ होगा उससे लेकर उपद्रव होने तक पुलिस के अधिकृत व्यक्ति ने उसको पूरा वीडियोग्राफी उसकी की। उस वीडियो के कुछ अंश, जो अंश मेरे नहीं, पुलिस के अधिकृत व्यक्ति कांस्टेबल के द्वारा, एक एसआई के द्वारा बनाई गई थी, सुमेर प्रचार कांस्टेबल नंबर 355 और एक सब इंस्पेक्टर। मैं चाहूंगा कि मैं मेरी बात प्रारंभ करूं उससे पहले चंद मिनट का वो वीडियो है, उस पर आप एक निगाह डालें ताकि आपके सामने सारी तस्वीर सामने आ जाए। ये वो तस्वीर है जिसमें उपद्रव जब प्रारंभ होता है, शांतिपूर्व जुलूस पर हमला होता है, हमलावरों के हाथ में आप लाठियां देखेंगे, पत्थर देखेंगे और बेबस पुलिस देखेंगे। पुलिस के कांस्टेबल आपको ये कहते नजर आएंगे कब आगे बढ़ो, बहुत हो गया, और एक भी व्यक्ति की गिरफ्तारी दंगाइयों की वहां नहीं होती है। पुलिस का पूरा जाप्ता इस पूरे जुलूस के साथ चलता है। जुलूस में मुश्किल से 400-500 लोग हैं और इस जुलूस की, शांतिपूर्ण जुलूस की पहले अनुमति ली जाती है। पूरे जिस मार्ग से जुलूस निकलता है उसकी रेकी होती है और उसके बाद एक जाप्ता के साथ पुलिस के 2 दर्जन से ज्यादा जवानों के साथ एसओचओ की अगुवाई के अंदर, थाना प्रभारी की अगुवाई में जुलूस निकलता है। अब जुलूस का मंजर क्या होता है, 5:15 पर उन पर जिस प्रकार हमला होता है अचानक, 1 दर्जन से ज्यादा मकानों से पत्थरों की बछौर होती है और नीचे से पीछे से 150 लोग आकर उस जुलूस पर हमला करते हैं और नतीजा यह निकलता है कि लगभग 2 दर्जन लोग चोटिल होते हैं, लगभग 1 दर्जन से ज्यादा दुकानें धू धू करके जला दी जाती है और लगभग 4 दर्जन मोटरसाइकिलों को जला दिया जाता है और उसके बाद वो हमलावर वहां से नदार्द हो जाते हैं। और उसके बाद दूसरे दिन, अगले दिन जब पीस कमेटी की मीटिंग होती है तो जिनके चेहरे अभी आप देखोगे वो हमलावर सारे के सारे उस पीस कमेटी की बैठक में होते हैं। मैं इस वीडियो को प्रारंभ करूं उससे पहले मैं आपका ध्यान 1 अप्रैल को PFI के प्रदेश अध्यक्ष मोहम्मद आसिफ ने एक मुख्यमंत्री जी को गृह मंत्री के रूप में एक पत्र लिखा और उसमें लिखा कि राजस्थान में 2 अप्रैल से लेकर 4 अप्रैल तक जहां विभिन्न शहरों के अंदर जुलूस निकाले जाएंगे नववर्ष पर, वहां अशांति होगी, ये मैं पहले आपको अवगत करा रहा हूं। और ये वही PFI है जिसका जिक्र प्रदेश अध्यक्ष जी ने किया कोटा के अंदर 17 फरवरी को। PFI के जिला अध्यक्ष साजिद खान एक दरख्वास्त पेश करते हैं जिला कलेक्टर को कि हम हिजाब रैली निकालना चाहते हैं। जिला कलेक्टर उस रैली की अनुमति के लिए मुख्य सचिव राजस्थान को फॉरवर्ड करते हैं, वहां से अनुमति आती है। तो कुल मिला के ये सुनियोजित हिंसा है और इस हिंसा की पुष्टि गृह मंत्री के रूप में मुख्यमंत्री जी ये कहकर कहते हैं, आज तक जब जांच रिपोर्ट सामने आई नहीं उससे पहले कहते हैं उत्तेजित नारे लगे थे उसके कारण से इस जुलूस पर हमला हुआ। यानी दंगाइयों को क्लीन चिट देने का काम राज्य के गृह मंत्री के रूप में मुख्यमंत्री करते हैं और फिर एक बात और कह देते हैं कब भारतीय जनता पार्टी चुनावी मोड में आ गई, और जिसका जिक्र इन्होंने कहा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के लिए, कहते हैं कि आग लगाकर चले गए और फिर कहते हैं अब ये दंगा होना आम बात होगी, तनाव होना आम बात होगी। यानी उनके इस बयान ने इस बात की पुष्टि कर दी कि ये बात यही नहीं रुकेगी। हम लोगों का एक दल, 7 सदस्यीय दल जिसमें हम 3 विधायक थे, मैं, मदन दिलावर, रामलाल जी शर्मा, और 3 सांसद थे, सुखवीर सिंह जौनपुरिया, मनोज राजौरिया और रंजीता कोहली जी। 2 अप्रैल की घटना पर हमने प्रशासन को अनुमति चाही, उन्होंने 5 अप्रैल को हमें अनुमति दी और 5 अप्रैल को हम वहां उस जगह पर गए जहां सबसे पहले दुकानें जली। व्यापार मंडल का एक डेलीगेशन रोता हुआ हमें मिला, उन्होंने कहा हमारी दुकानें जली, हम दुकानों जलने पर FIR दर्ज करवाना चाहते हैं, FIR हाथ में लिए खड़े हैं। हम ये बता सकते हैं कि FIR में हमारी दुकानें को लूटा किसने, पर पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर जाती।
हमने वहां पूर्व विधायक और हमारे पंचायत राज संस्थाओं के प्रतिनिधि, नगर पालिका नगर परिषद के प्रतिनिधि और समारे सारे सामाजिक संस्थाओं से बात की। हमें वहां जिला कलेक्टर और पूरे पुलिस प्रशासन से मिले। हम वहां उस स्थान पर भी गए जहां पर यह हमला हुआ था। हम उन लोगों से भी मिले जो चोटिल हुए और उन लोगों ने जो सारी बातें बताई उसमें बड़ी बात यह थी कि पुलिस की जो FIR खुद की है, जो पहली FIR FIR नंबर 0131/2022 3/4 दर्ज होती है 11:26 पर। यह FIR मैं आपको आपके अवलोकनार्थ आपको दूंगा, पर इस FIR में मैं अंतिम पंक्ति पढ़ के सुनाऊंगा ताकि पता लग जाए कि हम पर आप राज्य के गृह मंत्री के रूप में मुख्यमंत्री जी कहते उत्तेजित नारे लगे और उनके खुद के SHO की ये पहली रिपोर्ट है। वो कह रहे हैं उक्त जाप्ता में बाइक रैली में शरीक लोग पर उक्त मस्जिद के आसपास मकान और दुकानों के छतों से अंधाधुंध पथराव करना शुरू हो गया, जिसमें रैली में शरीक लोगों में भगदड़ मच गई। तभी जिम वालों का मकान और जिम सेंटर था बांस की बलियों की दुकानों मकानों व चूड़ी वालों की दुकानों से करीब 100-150 लोग हाथ में लाठी डंडा लेकर समूह के रूप में पूर्व सुनियोजित षड्यंत्र के तहत जुलूस पर जानलेवा हमला किया, जिसमें मन थाना अधिकारी सहित इतने लोग हम घायल हुए। खुद पुलिस के लोग घायल होते हैं, एक FIR दर्ज नहीं। और ये सारा वीडियो इस बात को बताता है। हमने उनसे ये सवाल किया कि आपने अनुमति दी और ये जो टनों पत्थर थे, ये पत्थर उन 3 मंजिली मकानों पर यकायक कैसे पहुंच गए? पत्थर किलो हो सकता है, मन हो सकता है, जहां टनों हो वहां कैसे पहुंच गए? अचानक जो हमला हुआ, उस हमले के अंदर पुलिस को पहले चेतावनी दी। CLG की मीटिंग 1 तारीख को होती है, वहां के पूर्व पार्षद और एक वहां के चेयरमैन के दत्तक पुत्र ये कहते हैं कि आपने जुलूस निकाला तो उसका खामियाना आपको भुगतना पड़ेगा, और सरकार पुलिस के अधिकारी के सामने चेतावनी देते हैं। PFI का के प्रदेश अध्यक्ष चेतावनी देते हैं और उसके बाद ये सुनियोजित दंगा होता है, और सुनियोजित दंगा के अंदर पुलिस के कांस्टेबल भी घायल होते हैं, उनकी तरफ से भी कोई FIR दर्ज नहीं की जाती। और मैं समझता हूं कि जब ये हमला हुआ उससे पहले एक विशेष लोगों के ऑटो रिक्शा और दुकान पहले बंद हो जाती है, और हमने 4 वीडियो दिए उनको, जिन वीडियो में वो चेहरे वो किरदार सामने आते हैं जिन्होंने ये सारा हमला किया। और हमारा तो आरोप है, ये पहली बार नहीं, इससे पहले की 3 घटनाओं का मैं जिक्र करके आपको वीडियो दिखाऊंगा। एक घटना हुई थी अप्रैल में 2021 में छबड़ावे में, धनवाद सर्किल पर 2 युवकों की चाकूबाजी और दुकानों में आगजनी। और एक घटना हुई उसके बाद जुलाई 2021 में झालावाड़ में, गंगधर पेड़वा और भवानी मंडी में। और उसके बाद एक घटना हुई जयपुर में संजीव प्रकाशन में, एक इस्लाम आतंकवाद के चैप्टर से नाराज होकर उन्होंने उस पर हमला किया। इंटेलिजेंस की रिपोर्ट ने कहा इन तीनों हमलों के पीछे संगठित गिरोह PFI के हाथ होने से नकारा नहीं जा सकता। उसके बाद उसी संगठन को राज्य के मुख्यमंत्री कोटा के अंदर हिजाब रैली की अनुमति दे, इसका मतलब साफ है कि कहीं न कहीं अब राजस्थान एक ऐसे मुहाने पर खड़ा हो गया जिससे राजस्थान के अंदर अमन चैन समाप्त हो गया। और अब जिस बात का जिक्र आपने किया, एक तरफ राजस्थान जल रहा था, दूसरी तरफ इसी 1 अप्रैल को राजस्थान के ऊर्जा मंत्री के निर्देश पर एक और आदेश निकलता है कि रमजान के महीनों को देखते हुए, रमजान और नवरात्र महीना साथ साथ चल रहा है, सिर्फ रमजान के महीने को देखते हुए मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्रों में बिजली की कटौती नहीं की जाएगी। और दुर्भाग्य यह है, पहली बार राजस्थान के अंदर किसी सत्तारूढ़ दल ने किसी घटना को लेकर अपने पुलिस जाप्ता और प्रशासन पर विश्वास नहीं करते हुए एक रफीक खान जी हैं वहां के आदर्श नगर के विधायक, उनके नेतृत्व में एक कमेटी बनाई, जिस तरह हमारी जांच कमेटी प्रदेश अध्यक्ष जी ने 7 लोगों की बनाई, उन्होंने 3 लोगों की बनाई। और उस कमेटी ने कहा कि उत्तेजित नारे लगे थे, इसके कारण से उत्तेजित होकर लोगों ने उस रैली पर हमला किया। हमने उन्होंने कहा, जबकि ये पूरी FIR में कहीं ये नहीं बात की, जो FIR उस समय तत्कालीन घटना घटित होने के साथ ही उस SHO ने दर्ज की, इसमें कहीं कुछ नहीं लिखा कि उत्तेजित नारे लगे। और मैं समझता हूं कि इतने दिन व्यतीत हो जाने के पश्चात भी बेगुनाह की गिरफ्तारी जारी है, इस अपराध के अंदर भी सामाजिक संतुलन बनाने की बात पुलिस कर रही है, जिसका जिक्र अभी प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा, हमारे पूर्व चेयरमैन राजाराम जी का, उस तरह के दर्जनों लोग हैं जिनको लाकर पुलिस ने 4 दिनों से गिरफ्तार कर रखा है। मैं समझता हूं इन सारी बातों से, और हमने जो वीडियो दिया, हमने उनको 2 बातें कही, एक तो आपका अधिकृत वीडियो पुलिस का,
और एक जो हम वीडियो दे रहे हैं, चार वीडियो मैंने अलग अलग दिए, उसमें से एक दो वीडियो का अंश आपको दिखाएंगे। इन वीडियो के आधार पर आप चेहरे पहचान लो, और अगर आप ये बता दें कि रैली पर चलते हुए किसी भी आदमी के हाथ में कोई हथियार है या कोई बात है, तो हम आपकी बात मानने को तैयार हैं। ये सारी बातें वहां दौड़ दौड़ कर पीछे पीछा करते करते पीटा गया। पुलिस ने आंसू गैस के गोले नहीं चलाए, पुलिस ने ड्रोन से पहले सर्वे नहीं कराया, पुलिस ने तो तमाम इंतजाम किए जाने थे, उनको उनके सामने जब सीएलजी की मीटिंग में चेतावनी दी और पीएफआई के प्रदेश अध्यक्ष ने चेतावनी दी, उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं। ये सारी बातें इस चीज को बयां करते हैं कि वोट की राजनीति और तुष्टिकरण की राजनीति पर हमारे मुख्यमंत्री जी इस कदर सवार हुए हैं कि राजस्थान का अमन चैन समाप्त हो गया। मैं दर्जनों घटनाएं जिनका जिक्र कर सकता हूं, पर मैं जिक्र करके समय आपका व्यतीत नहीं करना चाहता। मालपुरा के अंदर जो वहां के लोगों ने लिखित में प्रशासन को दिया, हम अब पलायन को मजबूर है क्योंकि यहाँ की हालात इस तरह के हैं। ये घटनाओं का सीरीज है। राजस्थान सांप्रदायिक सद्भाव का प्रतीक प्रदेश रहा, आज राजस्थान के अंदर सांप्रदायिक सद्भाव को तार तार करने का काम राजस्थान की सरकार कर रही है, और मैं समझता हूँ राजस्थान जलेगा। इस आशंका के साथ आज हम आपके रूबरू होने के लिए आए हैं। आपने बात सुनी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वो वीडियो हम चला देते हैं जिसमें कि आपको दिखेगा किस प्रकार से पुलिस का केवल इनएक्शन नहीं बल्कि कंप्लिसिटी रहा। वीडियो देखिए। लाइट बंद करा। ये पुलिस खड़ी है। हमला प्रारंभ हो गया है। आप देख रहे हैं हाथों में लाठी लिए, हाथों में लाठी लेके हमला करने जा रहे हैं। सबके हाथ में लाठियां हैं। ये तोड़फोड़ की आवाज सुन रहे हैं। यह उस रथ पर हमला है जिस रथ में हमारे संत बैठे थे, और ये पुलिस खड़ी है सामने। बेबस पुलिस देखिए आप। पुलिस इशारा कर रही है कि जाओ, तुमने तुम्हारा काम कर लिया, जाओ। ये लाठियां ले आप, पुलिस के आगे से निकल रहे हैं। देखिए आप, तलवार हाथ में है, ये सरिया हाथ में है। यह पुलिस का एएसआई टेलीफोन कर रहा है। यह 28 मिनट तक यह मंजर जारी रहता है। ये ऊपर है जहां से पत्थर आते हैं, ये जिम है, जिम के ऊपर से पत्थर आते हैं। ये आप देखिए लाठी, देखिए अभी अंदर घुसेगा, अंदर से सामान निकालेगा, ये आदमी अंदर घुसेगा, वापस आएगा, शटर डाउन करेगा, पैसे निकालेगा गुल्लक से, यह वापस आ रहा, यह वापस आया, ये रुका, ये सामने पुलिस खड़ी है। ये जो मोटरसाइकिल, टूटी हुई मोटरसाइकिल, लोग भाग जाते हैं, मोटरसाइकिल ले लिया, मोटरसाइकिल छोड़ छोड़ के हटा दिए। अब तो जाओ। ये घटना, इसी प्रकार की घटना, इससे ज्यादा पुलिस के कांस्टेबल, चूंकि ये रैली अनुमति से निकली थी इसलिए उनके पास ये है। हमने प्रशासन को कहा कि आप अपने अधिकृत वीडियो के आधार पर मुलजमानों को पहचाने, परंतु हमारे मुख्यमंत्री जी ने ऐसी क्लीन चिट दे दी गृह मंत्री के रूप में। आज हम लोग आप लोगों के माध्यम से असलियत जनता के बीच में जाए, ये कहने के लिए यहां उपस्थित हुए।